अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। आज के शो में लोगों के साथ चिटचैट होगी, गपशप होगी, मज़े मज़े की बातें तो होंगी, लेकिन एक अच्छी बात के साथ इस शो का मैं आगाज़ करूंगी। वो ये है कि इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका ज़मीर होता है, जो कि अच्छी बात पर उसे शाबाश देता है और बुरी बात पर उसे मलामत करता है। इसलिए अगर आप कुछ गलत कर रहे होते हैं, आपको पता ज़रूर लगता है, इट्स अप टू यू कि आप उसे इग्नोर करते हो या उस पर फोकस करते हो और आइंदा उस गलती को ना करने का सोच लेते हो। तो आज के शो में लोगों को प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जिसके थ्रू वो अपने टैलेंट्स को शो कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और अपने शो का आगाज करते हैं। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको लाहौर तेरे जैसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तरसीम बुखारी। आपका? अब्दुल दयान। क्या करते हो? FSA के एग्जाम्स दिए। मैं भी FSA के एग्जाम। सही। आप दोनों से मैं एक पहेली पूछती हूँ। जी। कौन सी चीज़ है जो गोल है लेकिन बॉल नहीं है, कांच है लेकिन शीशा नहीं है, रोशनी देता है लेकिन सूरज नहीं है? बल्ब। बल्ब इज द राइट आंसर। अच्छा जी, वो कौन सी चीज़ है जो शूट करती है लेकिन मारती नहीं है? बॉल तो लगती भी है। ऐसी चीज़ जो शूट करती है लेकिन वो मारती नहीं है आपको? रबर बॉल। नो, मारती नहीं है, शूट करती, एयर गन, पता नहीं। नो, मुझे बताओ आप दोनों को क्या लगता है कि आप में क्या खामी है? हर इंसान में खामियां होती हैं, आप में सबसे बड़ी खामी कौन सी? कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं है, क्यों? आई डोंट नो। सेम कॉन्फिडेंस। सेम क्या मतलब? सेम खामियां भी सेम। टैलेंट्स क्या है आप में? कुछ भी नहीं है, बस सिंगिंग थोड़ी बहुत कर लेते हैं। चलें फिर गाना गाइए। लाखों मिले कोई भी ना तुमसा मिला, मेरा ये दिल तेरी और चलने लगा ना रुका। और गाइए, कोई और गाइए। अच्छा और मैं और कौन सा आता है? और मैं एक लाइन भी आती है, ज़्यादा नहीं आती। तेरी मंजिलों को छूके भागा मेरा रास्ता, वे कबीरा यूं ना जा, आजा तुझको पुकारे मेरी परछाइयां। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुकीत। क्या करते हैं आप? मैं कुकिंग करता हूँ। कुकिंग करते हैं, दैट्स ग्रेट। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आप में टैलेंट्स क्या हैं? आप जो पूछ लें, जो भी आप गा लेते हैं। नहीं, गाना नहीं, गाना नहीं गाते। कुकिंग का ठीक है, फिर आप रेसिपीज़ बताइए। जो खवातीन आती हैं उनसे रेसिपीज़ पूछी जाती हैं, वो मोस्टली बिरयानी बताती है या कढ़ाई, आपके पास कोई डिफरेंट रेसिपी है? हमारे पास, मेरे पास ऑफिस के मुतालिक से चाय। उसके अलावा कैसी बनाते हैं आप? चाय की रेसिपी बता दीजिए, क्योंकि चाय सब अच्छी नहीं बनाते। सब, मेरी चाय बहुत अच्छी होती है, मेरी चाय बहुत अच्छी है। कैसे अच्छी होती है ये तो बताने, सामने देखें ज़रा। यस, वहाँ देख के बताइए कैसे। टी बैग्स एक्स और कुकिंग करते हैं तो सिर्फ चाय बनानी आती है? कुकिंग में आप जो क्या खाना चाहती हैं, आप कोई रेसिपी बताइए अच्छी आपको आती है तो आप शेयर करें ऑडियंस के साथ। ऑफिस बॉय में क्या आपको रेसिपी में बताऊँ बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हाफिज अब्दुर्रज़ाक। क्या करते हो? मैं पढ़ रहा हूँ साइकोलॉजी। पढ़ साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, आपको क्या स्कोप नज़र आता है इस फील्ड का पाकिस्तान में? इस फील्ड का यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के हालात की वजह से डिप्रेस जो लोग हैं उनका यहाँ डिप्रेस्ड हैं जी। ओके, तो उनके उनका यानी कि यहाँ पे क्या नाम है, ट्रीटमेंट किया जाए अच्छे तरीके से। ट्रीटमेंट के लिए आप कहाँ से पढ़ कहाँ से रहे हो? यूनिवर्सिटी से। आपसे मैं एक पहेली पूछती हूँ, वो कौन सी चीज़ है जो शूट तो करती है लेकिन आपको मारती नहीं है? शूट तो करती है लेकिन आपको मारती नहीं है, कैमरा। बिल्कुल ठीक आंसर किया आपने। एक और सवाल पूछ लेती हूँ, आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके नाक पे बैठ के आपके कान को पकड़ती है? नाक पे बैठ के आपके कान को पकड़ती है, बहुत आसान है। नाक पे बैठ के कान को पकड़ती है। नहीं आ रहा आपको, इसका आंसर बहुत आसान था, लेकिन एक और आपसे वैसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, आप मुझे बताइए हर इंसान में कोई खामी होती है,
ठीक है, आपकी खामियाँ, आप कुछ गलत करते हो, आपका ज़मीर मलामत करता है आपको, आपने कभी कोई ऐसी गलती की हो जिसका आपको पछतावा हो? जी बताइए, वो कौन सी? वो गलती ये है कि मैंने रिलेशनशिप स्टार्ट किया था तो वो सबसे बड़ी गलती थी मेरी। अब नहीं है? नहीं, अब रिलेशन में नहीं हूँ। नहीं, अब क्यों? अब सिर्फ अपना फ्यूचर ब्राइट करना है। ठीक है, तो पहले फ्यूचर ब्राइट करना चाहिए, फिर रिलेशनशिप पे पढ़ना चाहिए, ये सीखा है इन्होंने। आप बताइए, आपको क्या लगता है आप में खामियाँ कौन सी हैं? अच्छाइयाँ तो सबको अपनी पता होती है। मेरे में खामियाँ बहुत ज़्यादा हैं, एकदम गुस्सा आ जाना। कैसे कंट्रोल किया जाए इस गुस्से को, आपने कभी ठीक करने की कोशिश की है? मैं नमाज पढ़ूँ और साथ अल्लाह का नाम लेता हूँ तो। जी माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। आप शेयर क्या करोगे, कोई टैलेंट है आप में? शेयर में शेयर यही करूँगा कि लोगों को कहूँगा कि नमाज पढ़ा करें और अपने वालदैन का एहतराम किया करें और बात मना करें। जैसी बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, एक बहुत ही क्यूट सी फैमिली मेरे साथ खड़ी है, क्यूट क्यूट किड्स मेरे साथ खड़े हैं, इनसे बात करते देखते क्या शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? वलीद। आपका नाम? व्हाट्स योर नेम? आप बताओ। मूसा। मूसा, आपसे एक सवाल पूछती हूँ, वो कौन सी चीज़ है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता? की खुद की चीज है, इतना मैं बता रही हूँ। नहीं, इसका नहीं आइडिया, आइडिया नहीं है। एक और सवाल पूछती हूँ, आप मुझे बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जो आपके नाक पे बैठकर आपके कान पकड़ती है? नाक पे बैठकर कान पकड़ती है, मूसा आपको आता है? नहीं। और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, वो कौन सी चीज़ है जो शूट करती है लेकिन मारती नहीं है आपको? कैमरा। बिल्कुल ठीक। क्या शेयर करोगे आपने टैलेंट? मैं क्रिकेट का ही ज़्यादा वो है। क्रिकेट। गाना गा लेती हूँ? नहीं, गाना गा। आप क्या शेयर करोगे? कोई सी भी स्कूल की अपने गाना गा दो। आप गाना गा दो। मुझे नहीं आता। नहीं आता ही नहीं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आप लोग कहीं मत जाइएगा। मैं अमाना मॉल में इस वक्त हूँ और लोगों के साथ गपशप की जा रही है, मज़े मज़े की बातें हो रही है, यकीनन आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे, तो कहीं मत जाइए, मैं आती हूँ एक ब्रेक के बाद। कभी तन्हाई में कभी पुरवाई में होती थी रोज मुलाकातें, दिन के उजालों में ख्वाबों ख्यालों में मैंने तुझे पल पल देखा। चिकन लें, उसको आप अच्छी तरह से मैरिनेट करें, मैरिनेट करने के लिए आप क्रीम ले लें, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लें, साथ में उसमें ब्लैक पेपर डाल दें और डाल के उसको आप थोड़ी देर के लिए मैरिनेशन के लिए रख दें। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं ब्रेक से वापस आ चुकी हूँ और लोगों के साथ चिट-चैट कर रहे हैं। अमाना मॉल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और देखते हैं कि जो लोगों में टैलेंट्स हैं वो क्या क्या शेयर करने में कामयाब हो जाते हैं। बहुत दफ़े ऐसे होता है कि लोगों के पास शेयर करने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं लेकिन थोड़ी सी कैमरा शाय होते हैं, जैसे ही कैमरे के सामने आते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखते हैं लोग क्या शेयर करते हैं, चलते हैं लोगों की तरफ। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अली। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर स्टडी कर रहे हैं? क्या पढ़ के रहे? बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर। बीबी ऑनर्स, मेरी स्पेशलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ मैनेजमेंट। आप दोनों मुझे ये बताओ कि हर इंसान में कोई ना कोई गलतियाँ होती हैं, कोई ना कहीं आपको लगता है कहीं आप फॉल कर रहे हो, आपको क्या लगता है आप में क्या खामी है? खूबियाँ तो अपनी सभी बताते हैं लेकिन खामी का बताना एक बड़ी एक हिम्मत की बात होती है, और बताइए पहले तो। मेरी सबसे बड़ी खामी ये है कि मैं कुछ लर्न नहीं कर पा रहा, मैं एक अच्छा पढ़ने के बाद एजुकेट होने के बावजूद भी मैं कुछ लर्न नहीं कर पा रहा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया पाकिस्तान में। जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया है लेकिन इंटरव्यू करता हूँ, आई हैव नो रेफरेंस, तो इसी वजह से रेफरेंस बहुत डिपेंड कर रहा है पाकिस्तान में, तो उसकी वजह से मेरे जॉब नहीं हो पा रही,
तो मैं कहीं लर्न भी नहीं कर पा रहा। असल में इनका ये कहना है कि इनको कहीं प्रोफेशनल लाइफ में जाने का मौका नहीं मिल रहा और वो नई चीज़ें नहीं सीख पा रहे। आप क्या करोगे, आपको क्या लगता है आप में क्या खामी है? हम कितनी खुशी से आपकी खामी पूछ रहे हैं। नहीं, खामी तो कोई भी नहीं है, मगर एक परफेक्ट हो, एक खामी जो है कि हम लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। ये भी एक खामी है कि कई लोग एक दूसरे पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं और कहीं ना कहीं फॉल कर जाते हैं ज़िंदगी में। वही लोग जिन पे आप ट्रस्ट करते हो वही आपके लाइक जो दुश्मन बन जाते हैं और फिर ये सब के वो आपको गलत रास्तों पे गलत गाइडेंस मिलती है उनकी तरफ से। तो आपने किन पर ट्रस्ट किया? एज़ यू सेड के आपको लगते हैं कि आप ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हो, आपने ऐसा कौन था जिस पे आपने ट्रस्ट किया और उसके बाद आपको लोगों पे ट्रस्ट करने का रहा नहीं है कि आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए? आप खुद ही बताना, डेफिनेटली एक बॉयज एक मर्द की ज़िंदगी में क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? आप मेरे सामने खड़ी, आप बेहतर जानती हैं। नहीं, मैं नहीं जानती, मुझे आपके मुँह से सुनना है, मैं कुछ भी नहीं खुद से बोल सकती। आप बेहतर जानती कि एक मर्द की ज़िंदगी बनाने वाली भी और एक औरत है और बिगाड़ने वाली भी एक औरत है। तो आपकी ज़िंदगी में क्या बिगाड़ा है उसकी वजह से? जी, एक लड़की है जिन पर उन्होंने ट्रस्ट किया और इनको लगता है जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, तो बताइए आपको क्या उसका नुकसान? बहुत सारा नुकसान हुआ कि जैसे कि मैं अब डिफाइन तो नहीं कर सकता ना। जी, यहाँ तक बता दिए, थोड़ा सा आगे फिर बता दीजिए। मैं इससे आगे नहीं बता सकता, सो। अच्छा, लोगों को आपने ना कश्मकश में डाल दिया है कि इससे आगे क्यों नहीं बता रहे। अच्छा चले, फिर हर एक लव स्टोरी का जहाँ एंडिंग होती है हैप्पी और बैड एंडिंग तो होती रहती है, ज़िंदगी का ये है पार्ट है, लेकिन एक लव स्टोरी का स्टार्ट होता है। आपकी लव स्टोरी का स्टार्ट क्या था? मेरी लव स्टोरी का स्टार्ट ये था कि ये भी आ गए, आप ज़रा इधर आइए, आप अब इनकी लव स्टोरी का स्टार्ट बताने के लिए ये आए हैं, बताइए जी। देखें, बेसिकली मेरी एज है 23, ठीक है, जाहिर सी बात है मेरे घर वाले ढूंढ रहे थे रिश्ता। टू दी पॉइंट, मैं एक ना पे लड़की को करता था प्यार, ठीक है, उसकी हाइट थी मेरे जितनी, ठीक है, तो बस वो 4 साल का मेरा प्यार था, बस ना कभी बात हुई, बस पे देखा, देखने के बाद फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उस लड़की का मुझे मैसेज आया, ठीक है, उसके बाद मेरी 3 माह बात हुई बस। मुझे तो लगा आप उनकी लव स्टोरी सुनाने के लिए, आप तो अपनी लव स्टोरी स्टार्ट कर दिए। एरी एरी है उनकी लव स्टोरी, फारिग है। अच्छा, चलो बताइए तो सही, कैसे स्टार्ट हुई? कि उनकी भी किसी सोशल ऐप के थ्रू शुरू हुई है उनकी भी? मैं तो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, अभी ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट टिकटॉक ऐप नहीं हो सकती? मैं तो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मतलब क्या? मतलब कि मैं सोशल मीडिया नहीं इतना यूज़ करता हूँ, डेफिनेटली हमारे स्टडी से इतना टाइम नहीं मिलता हम सोशल मीडिया पर जाएँ, तो डेफिनेटली फिर यूनिवर्सिटी में ही होगी ना, तो जाहिर सी बात है। तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी जाते हैं, जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है आप इन कामों में क्यों पढ़े, तो फिर जाहिर सी बात है ये सब तो होना था। आप ज़रा साथ आइए इनके, आप दोनों से मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ, ठीक है, वो कौन सी चीज़ है जो नाक पर बैठ के आपके कान पकड़ती है? नाक पर बैठ के आपके कान पकड़ती है, नो आइडिया। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, मतलब इसका आंसर बहुत आसान है। नाक पर बैठ के कान पकड़ती है, जानवर है कोई? कौन सा जानवर है आपके नाक पे बैठता? कोई हिंट दे दे। अच्छा, ये जानवर नहीं है, ये लिविंग थिंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है। अब आप सोचिए क्या हो सकता है। वो ग्लासेस है। कुछ आंसर क्या है, बड़ी देर बाद इन्हें पता लगा है। टैलेंट्स हैं आप में, लाइक आपको शेयर करना चाहोगे? गाना गाइए। नहीं, गाना नहीं। उदास है, उदासी में तो मैंने तो ये भी सुना है कि ब्रेकअप के बाद लोग सिंगर बन जाते हैं, आप में कोई ऐसा नहीं हुआ? नहीं, पोएट्री लवर। ये ट्रू नहीं है, पोएट्री आती है। हाँ जी, पोइट्री की तरफ गए आप इस वक्त? अभी ये नहीं, कुछ भी माइंड में नहीं है, पोइट्री भी नहीं आ रही। वो देखने में कैसी सीधी सादी लगती है, बोलती के वो तो कुछ नहीं समझती, अंदर से कितनी तेज है। अच्छा गा रहे थे और गाइए, लिटरली आप अच्छा गा रहे हो। जागे जागे रे, गाना गाया आपने, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? नवेरा यून। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हैं। कैसा आज के अगर दिन की आपके रूटीन पूछा जाए तो आज का आपका दिन कैसा गुजरा, आपने क्या क्या किया? आज सुबह बच्चों को
लेके गई हुई थी। कहाँ लेके गई हुई थी? हम गए हुए थे फिर तुम गई पूरी से अमाना मौला जी क्योंकि मेरी बच्ची को आउटिंग का बहुत शौक है इसलिए। अच्छा, सही सही। चलिए फिर मैं आपसे एक सवाल कर लेती हूँ, वो कौन सी चीज़ है जो गोल तो है लेकिन वो बॉल नहीं है, कांच है लेकिन वो शीशा नहीं है, रोशनी देती है लेकिन वो सूरज नहीं है? लाइट। करीब है, वो जो बल्ब होता है वो। जी आंसर किया आपने। एक और सवाल पूछती हूँ, वो कौन सी चीज़ है जो आपके नाक पे बैठ के आपके कान पकड़ती है? नाक पे बैठ के कान पकड़ती है? यस। मक्खी तो नहीं? नाक पे बैठ के कान कैसे पकड़ सकती है मक्खी? नाक पे बैठ के कान पकड़ती है, सॉरी। सोच ले, बहुत आसान है। हिंट देती हूँ, ये जी से स्टार्ट होता है वर्ड। जी से क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, वो कौन सी चीज़ है जो शूट करती है लेकिन आपको मारती नहीं है? शूट करती है और मारती नहीं है, वो तो आपके सामने है। सेल्फी। करीब है। कैमरा। यस, बहुत बहुत क्लोजेस्ट हिंट दिया था मैंने। आप बताइए खाने में आप सबसे अच्छा क्या पका लेते हैं? मैं वाइट कढ़ाई। वाइट कढ़ाई, ओके। तो रेसिपी शेयर करेंगी? सबसे पहले चिकन लें, उसको आप अच्छी तरह से मैरिनेट करें। मैरिनेट करने के लिए आप क्रीम ले लें, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लें, साथ में उसमें ब्लैक पेपर डाल दें और डाल के उसको आप थोड़ी देर के लिए मैरिनेशन के लिए रख दें। फिर उसके बाद आप उसको थोड़ा सा फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद आप उसमें टमाटर का जो पेस्ट है वो बना के वो आप डालें, और उसके बाद वो जो आपने मैरिनेशन करके रखा हुआ है मटेरियल वो आप उसके अंदर डाल दें। डाल के आप उसको अच्छी तरह से भून लें। भूनने के बाद आप गार्निशिंग के लिए उसमें आप प्याज काटें, धनिया काटें और साथ में हरी मिर्चें ले लें, वो उसके ऊपर गार्निशिंग करके कर दें तो बहुत अच्छी बन जाती है वाइट कढ़ाई। जैसे कि हर इंसान में कोई ना कोई खामी होती है, आपको क्या लगता है आप में कौन सी खामी है जिसे आप ख़त्म करना चाहते हो? मैं सोचती बहुत ज़्यादा हूँ। अच्छा, सोचती बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते कैसे ख़त्म करेंगे? कैसे ख़त्म करूँगी? कोशिश कर रही हूँ कि कम सोचा की जा रही है। कोशिश ये कर रही हूँ कि अपने आप को बिज़ी कर लूँ, उससे इंसान जो है वो सोचने की सलाहियत कम हो जाती है ना, बिज़ी होता है फिर टाइम नहीं मिलता। मेरे ख्याल से एक टिप मैं आपको जो देना चाहूँगी कि वो ये है कि आप जिस हाल में आप खुश रहो, आप नहीं सोचोगे, आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेके, अगली चीज़ों को लेके ये हो गया हो बहुत ज़्यादा सोचोगे, इसलिए जो हो रहा है उसमें खुश रहो कि आज का दिन अच्छा गुजरना है, दैट्स इट, कल देखी जाएगी। क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक आंसर किया था, एक गिफ्ट है आपके लिए ब्लैक रोज कलर एक्सपर्ट की तरफ से, ये लीजिए। वेलकम जी, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम हम और आप में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक, आप लोग कहीं मत जाइए, मैं आऊँगी एक ब्रेक के बाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए और ब्रेक से वापस भी ट्यून कीजिए इस चैनल को। सिरका ऐड करेंगे, सोया सॉस ऐड करेंगे, काली मिर्च, नमक, और उसको आधा घंटा ना फ्रिज में रख देना आप लोगों ने। उसके बाद उसको मैदे में कोटिंग करके और फ्राई कर दें। मैं बुराइयां लोरियों की करूँगा, टिका की करूँगा। सबसे पहले ना लोरियों को चाहिए कि सबसे रास्ता नहीं पता था ना, दसो बस पहले ने बस आपने मसला फेस किया ये सच है, ये वाकई इसमें मसला है, रास्ता नहीं पता बस ये ना साथ है, बस ये थोड़ा सा आगे साथ साथ करके 10 किलोमीटर खान साहब। प्रोग्राम में मैं ब्रेक से वापस आ चुकी हूँ, मैं लोगों की तरफ जाऊँगी। आज के इस शो में लोगों के साथ अच्छी बातें शेयर की जाएंगी, उनसे पूछी जाएंगी कि वो क्या शेयर करना चाहते हैं, उनके टैलेंट्स को प्रमोट किया जाएगा, इसके अलावा कुछ पहेलियाँ पूछी जाएंगी। तो आइए चलते हैं लोगों की तरफ और अपने शो को कुछ आगे बढ़ाते हैं। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? तस्कीन ज़ारा। सबीका। आप मुझे ये बताइए कि हर इंसान में कोई ना कोई खामी होती है, आपको क्या लगता है आप में कौन सी खामियां हैं? कोई खामी खामी
खूबियाँ ही खूबियाँ हैं, कोई खामी नहीं है। गुस्सा बहुत आता है। क्यों? इस बात पर आता है गुस्सा, मतलब किसी वजह से गुस्सा आता है, बेवजह गुस्सा आता है? नहीं, किसी वजह से ही गुस्सा आता है। अच्छा, कौन सी वजूहत इस पर आपको गुस्सा आता है? मतलब कि आपको आप पे खामी लगती है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, क्यों? ये नुकसान आपको देखने को मिला इससे? लड़ाइयाँ हो जाती हैं गुस्से से, ज़ुबान ज़्यादा खुल जाती है, जिस वजह से आगे मसले बढ़ जाते हैं। आप बताइए। मुझे, मैं क्योंकि मैरिड हूँ तो मुझे अपना गुस्सा कंट्रोल करना पड़ता है। मैं नहीं गुस्सा करती, अनमैरिड लाइफ में करती थी, तो तब इंसान का ना अपने पे इख्तियार होता है। जब इंसान की जो है ना मैरिड लाइफ हो जाए तो फिर उसे बड़ा सोच समझ के बातें करनी पड़ती हैं। फैमिली है, ससुराल है एंड ऑल। अच्छा, मैं आपसे एक पहेली पूछ लेती हूँ आप दोनों से। वो कौन सी चीज़ है, गोल है लेकिन बॉल नहीं, कांच है शीशा नहीं, रोशनी देती है लेकिन वो सूरज नहीं? बल बल, बिल्कुल ठीक आंसर। के एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। वो कौन सी चीज़ है जिसको कोई नहीं तोड़ सकता? दिल। दिल तो बहुत टूटते हैं, आए रोज दिन में पता नहीं कितने दिल टूटते हैं। तोड़ नहीं सकता, दोबारा बोले। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता, और ये आपकी खुद की चीज़ है? कोई टैलेंट है आप में, कुछ शेयर करोगे, कोई अच्छी बात, कोई अच्छी रेसिपी, गाना, कुछ भी? तुम गानो, तुम गाओ। कोई टैलेंट नहीं है आप में? रेसिपी बता देती हूँ। कौन सी रेसिपी? वो टेंडर चिकन की। चिकन पॉप्स जो होते हैं, बनाते हैं ना हम लोग, बच्चों को लंच वगैरह में देती हूँ मैं तो वो उसमें हम सिरका ऐड करेंगे, सोया सॉस ऐड करेंगे, काली मिर्च, नमक, और उसको आधा घंटा ना फ्रिज में रख देना आप लोगों ने। उसके बाद उसको मैदे में कोटिंग करके और फ्राई कर दें। बिल्कुल इजी रेसिपी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इनसे बात करके, अच्छा लगा है। गिफ्ट है इनके लिए, ब्लैक रोज कलर एक्सपर्ट की तरफ से ये गिफ्ट बैग आपके लिए। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपका नाम? समीउल्लाह खान। बख्तियार अहमद। ज़रूरी, आप लाहौर के रहने वाले नहीं लगते, आप कहाँ से आए हैं? हम क्वेटा से आए हैं। क्वेटा से? लाहौर कितनी देर के लिए आए हैं और कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका लाहौर का? लाहौर हम काफ़ी अरसे से आ रहे हैं और अच्छा एक्सपीरियंस है, हमें बड़ा पसंद है लाहौर, आते रहते हैं। क्या सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आपको लाहौर? जिंदा दिलाने लाहौर। अच्छा, लाहौर की तारीफ़ें तो सभी करते हैं, अक्सर ही लोग आते हैं वो कहते हैं लाहौर लाहौर है, इस तरह की बातें आप आके ये कहते हो, और अगर आपने कोई चीज़ देखी ऐसी जो अच्छी नहीं है वो क्या थी? वो अच्छी चीज़ जो यहाँ पे नहीं है, हम ये कहते हैं कि हमारा एक मुल्क, एक कंट्री है, सारे रहने वाले लोग, हम कहते हैं सब एक तरह के फील करें, सबको, यानी ये ना हो कि ये क्वेटा से, ये लाहौर से, ये पेशावर से, यानी सबको एक तरह से देखा जाए, उनको उसी तरह से प्यार दिया जाए जैसे हमारे पास लोग आते हैं, लाहौर से आते हैं, सिंध से आते हैं, हम उनको अपना मेहमान समझते हैं, उसी तरह से इज्जत देते हैं। तो हम यहाँ पर भी ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ही है। ऐसा होता है? अक्सर नहीं होता, अक्सर नहीं होता। क्या कहेंगे लाहौर के हवाले से? लाहौर वाकई में जैसे भाई ने कहा कि जिंदा दिल वाले लोग यहाँ रहते हैं। लाहौर की जो है रौनक, मतलब पुरकशिश है, इंसान को खींचती है अपनी तरफ, तो मेरे ख्याल से यही वजह है कि हम क्वेटा से बार बार आते हैं। आप क्या शेयर करेंगे, कोई टैलेंट है आप दोनों में? टैलेंट में तो पता नहीं, हमारे टैलेंट सारे छुपे हुए हैं अभी कभी मौका नहीं मिला उसको जाहिर करने। गाना गाने की कोशिश करें आप? गाना गाने की कोशिश? बख्तियार भाई कोई सॉन्ग सुना दे आप इनको, शेर सुना दे आप इनको, कोई गाना सुनाए, शेर सुना दे, गाना सुना दे, उर्दू सुनावे गज़ल, उस गाना सुनाए, शेर सुनाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? राव रिजवान। मेरा नाम अजीम मोहम्मद नबी बलोच। सही, आप कहाँ के रहने? हम क्वेटा बलोचिस्तान के रहने वाले। बलोचिस्तान के, वहाँ की कोई ख़ास बात बताइए, वहाँ के लोगों की कोई ख़ास बात बताइए,
वो बहुत मेहमान नवाज है और प्यार करने वाले हैं। तो लाहौर के लोग कैसे लगे आपको? नहीं लगता कि लाहौर में भी खाने खाबों का बड़ा सीन है और यहाँ के लोग भी बड़े मेहमान नवाज हैं, ऐसा नहीं है? नहीं, ये तो मशहूर है, वो लाहौर लाहौर है, तो इसलिए हम देखने आए हैं। हम लोगों का ये है कि जहाँ दिल जाता है वहाँ पर पैर खुद बहुत जाते हैं। अगर हम वहाँ से आए तो लाजू आते हैं, तो इसमें कोई चीज़ है जो हमारे प्यार मोहब्बत है इसमें, ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, आई एम फ्रॉम बहावलपुर, सो मैं बेसिकली बहावलपुर से हूँ और बहावलपुर के लोग मीठे होते हैं बस। बस ओके, मुझे आप ये बताइए कि आपको लाहौर कैसा लगा? आपको कैसा लगा लाहौर? की कौन सी जगह आप घूमे हो, आप कहते हो कि वाकई है लाहौर? नहीं, मैं नहीं कहता बात है लाहौर में, मैं कहता हूँ ठीक है लाहौर, बस ठीक है। 8 साल हो गए मुझे, बस अब यूज्ड टू हो गए। जब शुरू में आए थे तब क्या क्या शुरू में आए थे को लेकर क्या ओपिनियन? शुरू में ख्वार होने आए थे बस, ऐसे दोस्त के साथ। क्या क्या ख्वारी आपको देखने को मिली यहाँ पर, ये भी तो पता लगे कि जो लोग आते हैं आउट ऑफ सिटी से, आउट ऑफ टाउन से आ रहे हैं, उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि तारीफें तो हम बहुत सुनते हैं। लोग, मैं बुराइयाँ लोरियों की करूँगा, टिका की करूँगा। सबसे पहले ना लोरियों को चाहिए कि सबसे रास्ता नहीं पता तो ना दसो बस, अपने मसला फेस किया है। ये सच है, ये वाकई इसमें मसला है, है। बस ये ना साथ है, बस ये थोड़ा सा आगे साथ साथ करके 10 किलोमीटर खान साहब भागा जा रहा है। बात और भी है, वो जब भी आप इसके साथ बात करो वो उर्दू में बात नहीं करता है, पंजाबी में शुरू हो जाता है। इन जो मोड़ो उन जो मोड़ो इन जो मोड़ो, हमें समझ नहीं आती इस चीज़ का, हमें कहता है। तो आपको उर्दू समझ आती है? उर्दू समझ आती है। तो फिर जैसे कि आपने कहा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाहौर में ऐसे, या फिर आप दूसरी कंट्रीज में, दूसरी सिटीज़ में जाने का भी आपका इतफाक़ हुआ है, क्या वहाँ पर रास्ता ठीक बताया जाता है या सिर्फ लाहौर वालों को बदनाम किया हुआ है? मुझे तजुर्बा हुआ है, अभी मैं गया था अजरबैजान बाकू, वहाँ पर ये मसला था जैसे लाहौर में, सेम ही मसला था। ये तो मसला सिर्फ स्पेसिफिकली लाहौर के साथ इससे देखा है और एक लाहौर में देखा है, दो जगह देखा है। अजरबैजान इज अ कंट्री, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट, सो उधर हो सकता है, बट इन पाकिस्तान आई थिंक आई विजिटेड ऑल पंजाब, कराची एंड कहीं भी ऐसा मसला नहीं देखा, नथिंग, सब ठीक रास्ता बताते हैं। इस्लामाबाद एवरीवेयर इट्स ओके, बट लाहौर खास है, मतलब ये नहीं, गलत भी नहीं मैं कहूंगा, ये साथ ही है, साथ मस्जिद के पास, वहाँ से राइट हो जाना, वहाँ से लेफ्ट, 10 किलोमीटर का मतलब पक्का, 10 किलोमीटर साथ का, 10 किलोमीटर कंफर्म। रास्ता गलत बताते हैं या रास्ता कॉम्प्लिकेटेड वे में बताते हैं? बताते ठीक है, समझे दोनों ही काम इकट्ठे। चलिए तो एक बुराई होगी ना, इसके अलावा आपको क्या बुरा लगा? और ठीक होते हैं बस, वो क्या नहीं करनी, कैमरे पे करने वाली नहीं है, लाहौर है इसमें कोई शक नहीं है, इसमें जो मोहब्बत है खलूस है, और यहाँ का खाने बहुत मशहूर है, खासकर जो है, हाँ हम जब भी आते हैं इंशाल्लाह साल में 2 बार लाजमी आते हैं इसलिए। चलिए अब आप दोनों से मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ, मुझे वो कौन सी चीज़ है जो आपके नाक पर बैठ के आपके कान को पकड़ती है? खान साहब मैं बताऊँगा, आप बताएंगे, नाक पहले आप बताएं, नाक पे बैठ के को पकड़ती है, थोड़ा सा सोचें, सिर्फ सोचने की देर है, आसान। अच्छा ऐनक, बिल्कुल ठीक आंसर किया है आपने। आप में से किसी को गाना आता है? गाना खान साहब सुनाएंगे, थोड़ा सा बलोची, मुझे नहीं आता है बलोची, वो मड़ाए मस्तक वो वाला, थोड़ा सा नहीं आता है मुझे, यकीन है, यकीन यकीन करें मैं नहीं आता है इसका, कुछ भी गाना सराय की पंजाबी, और पंजाबी कौन सा गाना गाए, धन पदाना, हाँ नहीं आते मेरा वाणी, बिल्कुल थोड़ा सा यही वाला जो गा रहे थे, नहीं आते, सही बात है, हमने गाना सुन के नहीं गाया। बहुत शुक्रिया आपसे बात करके अच्छा लगा, आपका लाहौरियों के साथ एक्सपीरियंस कैसा भी रहा। सिटी 42 की तरफ से आपको दिया जाता है ये गिफ्ट, ब्लैक रोज कलर एक्सपर्ट की तरफ से। अलाफिज सो व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था, उम्मीद है कि आप सब ने इस प्रोग्राम को खूब इंजॉय किया होगा। प्रोग्राम में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। एक सवाल मैंने पूछा था, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके नाक पे बैठ के आपके कान पकड़ती है, ये बहुत ही फनी सा क्वेश्चन था जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और कुछ लोगों ने इसका आंसर किया भी है हिंट्स के बाद। इसका जवाब था चश्मा, वो कौन सी चीज़ है, गोल तो है लेकिन वो बॉल नहीं है, कांच है शीशा नहीं है, रोशनी तो देती है लेकिन वो सूरज नहीं है, वो है बल्ब। बल्ब में क्या होता है, कांच होता है, गोल होता है, रोशनी देता है। अब वो कौन सी चीज़ है जिसको हम कोई भी नहीं तोड़ सकता, वो है साया। वो कौन सी चीज़ है जो शूट तो करती है लेकिन आप उस शूट से मरते नहीं हो, इसका आंसर है कि कैमरा, कैमरे से शूट करते हो लेकिन आप मरते नहीं हो, आपको मारता नहीं है कैमरा। तो ये सवालात के जवाब है, मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी इंशाल्लाह, मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में लोगों के नए टैलेंट्स के साथ, नई बातों के साथ। तो अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।